हेलो एंड वेलकम टू अचीव साइड डियर लर्नर्स। एबनॉर्मल बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की सीरीज में आज हम हेलुसिनेशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम अभी सिजोफ्रेनिया को पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिल्यूजन्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक मेजर सिम्टम होते हैं सिजोफ्रेनिया का, और हेलुसिनेशंस के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। एक्चुअली में हम सिजोफ्रेनिया के वीडियो को कंटिन्यू ही कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप हेलुसिनेशंस के इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और सिजोफ्रेनिया के सेंस में अगर हेलुसिनेशंस को पढ़ने आए हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बट अगर अदरवाइज फॉर योर जनरल नॉलेज अगर आप हेलुसिनेशंस के बारे में भी जानना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज सफिशियंट फॉर यू। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे हेलुसिनेशंस के बारे में। सबसे पहले तो कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पर आप ये जो भी कंटेंट है वो रिसीव कर सकते हैं। सो यू मस्ट विजिट देयर, लाइक टेलीग्राम यू विल गेट द नोट्स फ्रॉम देयर, इंस्टाग्राम यू मस्ट फॉलो अस फॉर ऑल द अपडेट्स वी हैव फॉर यू, फॉलो अस थ्रू आवर चैनल ऑल्सो, प्लीज सब्सक्राइब टू अस इफ यू हैव नॉट डन इट। यस, इट्स अ रिक्वेस्ट आई वुड से। तो चलिए बात करते हैं कि हेलुसिनेशंस में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हेलुसिनेशंस होते क्या क्या हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। डिफरेंट टाइप के हेलुसिनेशंस की लिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें ऑडिटरी के अंदर हम सेकेंड और थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन की भी बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या कॉजेज होते हैं, किन वजहों से जो है हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, और ट्रीटमेंट इनका किस तरह से किया जा सकता है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट अस क्विकली बिगिन। सबसे पहले तो द वर्ड हेलुसिनेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन एंड मीन्स टू वॉन्डर मेंटली। जब पर्सन मेंटली वॉन्डर करता है, ये इसका मीनिंग होता है। हेलुसिनेशंस आर डिफाइंड एज द परसेप्शन ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट और इवेंट। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उसके बारे में माइंड में थॉट्स जनरेट होना, उनकी तरफ हमारा अटेंशन जाना या उनके बारे में कोई परसेप्शन फॉर्म कर लेना इज हेलुसिनेशन। एंड सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेंसरी एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हेलुसिनेशंस को हम अपने डिफरेंट फाइव सेंसेस की हेल्प से ही समझेंगे। जैसे हमारे फाइव सेंसेस होते हैं ना, बिल्कुल उतने ही टाइप के हमारे हेलुसिनेशंस भी होते हैं, और एक एक सेंस ऑर्गन से हेलुसिनेशन कनेक्टेड है, तो बहुत आसानी से आपको उसके टाइप्स भी समझ में आएंगे। फिलहाल जो वर्ड है सेंसरी एक्सपीरियंसेस दैट आर नॉट कॉज्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ द रेलिवेंट सेंसरी ऑर्गन, यानी कि जिस सेंसरी ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, अगर हम विजुअल की बात करें, आंखों की बात कर रहे हैं, तो हमने अपनी आंखों से उस चीज़ को देखा नहीं है, बट को ऐसा फील होता है कि वो चीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, या हमें महसूस होता है कि हमने देखी है। तो वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस जनरेट तो होते हैं, लेकिन वो सेंसरी ऑर्गन का पर्टिकुलर वहाँ पर रोल होता नहीं है। किस तरह से ये सब होते हैं ये आगे पढ़ेंगे। इन लेमेंस टर्म्स हेलुसिनेशन इन्वॉल्व हियरिंग, सीइंग, फीलिंग, स्मेलिंग और इवन टेस्टिंग थिंग्स दैट आर नॉट रियल। रियलिटी में वो चीज़ें नहीं होती हैं, बट टेस्ट फील हो सकता है, पर्सन को कुछ चीज़ें सुनाई दे सकती हैं। ऐसा जनरल होता है कि आपको कई बार फील होता है कि आपने कि कोई साउंड सुना या किसी ने आपका नाम लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दैट इज़ वॉट हेलुसिनेशन इज। वैसे भी जो हियरिंग होते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, वो सबसे ही ज़्यादा होते हैं। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस विच इन्वॉल्व हियरिंग वॉइसेज और अदर साउंड्स दैट हैव नो फिजिकल सोर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप। सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के ऑडिटरी होते हैं, और सेकेंड नंबर पर आते हैं विजुअल। तो फिलहाल अब हम आगे जो बात करेंगे उसमें हम ये देखते हैं कि हेलुसिनेशंस के बारे में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। हेलुसिनेशंस आर सेंसेशंस दैट अपीयर टू बी रियल बट आर क्रिएटेड विद इन द माइंड। ये माइंड के अंदर क्रिएट होते हैं, और हमें ऐसा फील होता है कि हमें वो टेस्ट फील हो सकता है, हमें टच फील हो सकता है, हमें स्मेल फील हो सकती है, हमें विजिबिलिटी भी फील हो सकती है किसी चीज़ की, और सुनाई देना तो सबसे ज़्यादा कॉमन है। बट ये सेंसेशंस माइंड में जनरेट होते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर, हियरिंग वॉइसेज और अदर साउंड्स, एक्सपीरियंसिंग बॉडी सेंसेशंस लाइक क्रॉलिंग फीलिंग्स ऑन द स्किन, और स्मेलिंग ऑर्डर्स दैट आर नॉट देयर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पांचों सेंस ऑर्गन्स की बात हुई है। हेलुसिनेशंस कैन बी अ फीचर ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स सच एज सिजोफ्रेनिया। जैसे मैंने आपको भी बताया कि सिजोफ्रेनिया का एक बहुत बड़ा सिम्टम्स हेलुसिनेशंस होते हैं, और माना यह जाता है कि सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस होते ही हैं, मतलब इनकी प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड आर ऑल्सो वेरी कॉमन इन ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट्स एंड इन ड्रग विड्रॉल। जो लोग ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, आपने कुछ मूवीज़ में ऐसा देखा होगा कि जहाँ पे ड्रग्स लोग लेते हैं तो उनको विजिबिलिटी में उन्हें वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो होती नहीं है, या उन्हें सुनाई देता है जो ऐसा होता नहीं है। इस तरह के कुछ सीन्स या इंटेंसेस आपने किसी मूवी में या कहीं पर ज़रूर देखे होंगे।
तो ये भी ड्रग के एडिक्शन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। दिस अकर्स विद इन नंबर ऑफ डिफरेंट ड्रग्स के केसेस में ऐसा होता है। लेकिन इसके अलावा हाई फीवर्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हेलुसिनेशन इन सम पीपल। जब किसी पर्सन को कोई भी डिसीज होती है, नॉट जस्ट हाई फीवर्स, लिवर की डिसीज हो सकती है, कोई और डिसीज हो सकती है जिसमें वो जब बहुत टाइम तक सफ़र करता है, तो उसको डिफरेंट सोमैटिक हेलुसिनेशन भी हो जाते हैं। उसको ऐसा फील होता है कि कोई जो बीमारी है उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइप के भी हेलुसिनेशन हो जाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। और इसके अलावा पर्सन को साउंड्स जो होते हैं वो सुनाई दे सकते हैं, उसको लगता है मैंने कुछ पिक्चर्स देखी हैं, वो लगातार उस सिकनेस में रहने की वजह से भी हो सकता है। हेलुसिनेशंस कैन अकंपनी अदर साइकोटिक सिम्टम सच एज डिल्यूजन्स एंड डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी। हेलुसिनेशंस के साथ साथ डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट डीरियलाइजेशन डीपर्सनलाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दे कैन बी टेम्परेरी और परसिस्ट ओवर द लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग अपॉन द एग्जैक्ट टाइप ऑफ हेलुसिनेशन एंड देयर कॉज। कई बार छोटी मोटी एक्शंस में रिएक्शंस में हमको भी हेलुसिनेशंस फील हो जाते हैं, पर ये जो हमारे साथ चीज़ें होती हैं दे आर ऑल्सो हेलुसिनेशंस, बट दे आर नॉट द रेयर और यू कैन से द सिम्टम्स ऑफ एनी सीवियर डिसीज। ये टेम्परेरी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं। जैसे हमने बोला कि फीवर होने की वजह से भी कई बार पर्सन को विजुअल्स दिखाई देते हैं, उसको लगता है कि कुछ पिक्चर्स उसने देखी हैं, तो ये टेम्परेरी होते हैं, ये किसी बड़े डिसऑर्डर को इंडिकेट नहीं करते हैं। तो हेलुसिनेशन फ्रॉम अ वेरी कॉमन स्टेज, बहुत माइल्ड से लेके सीवियर स्टेज तक भी हो सकते हैं। इसकी सीवियरिटी तभी होती है जब ये सिजोफ्रेनिया या किसी बड़े साइकोटिक डिसऑर्डर के को अकंपनी करते हैं। आगे बात करते हैं कि इसके हेलुसिनेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हमारे फाइव सेंस ऑर्गन हैं, तो उन्हीं ऑर्गन से रिलेटेड या एसोसिएटेड हमें हेलुसिनेशंस फील होंगे। जैसे कि बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, पर उसका टाइप क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ऑडिटरी हेलुसिनेशन है तो जाहिर सी बात है कुछ साउंड्स आपको सुनाई दे सकते हैं, फुट स्टेप्स सुनाई दे सकते हैं, म्यूजिक सुनाई दे सकता है, तो ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का हेलुसिनेशन हो रहा है। फीलिंग सेंसेशन इन द बॉडी, जैसे कि कोई स्किन पे मूवमेंट हो रहा है, चींटी चल रही है, या कोई जो है वो डर्ट जो है बैठ गई है, कुछ भी फीलिंग हो सकती है, सेंसेशन फील हो सकता है बॉडी में। हियरिंग साउंड्स, म्यूजिक सुनाई देना, फुट स्टेप, बैंगिंग ऑफ डोर्स, इस तरीके की चीज़ें, या डिफरेंट और भी कोई साउंड्स हो सकते हैं जो आपको सुनाई दे सकते हैं। कोई वॉइसेस भी सुनाई दे सकती हैं, जैसे कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव वॉइसेस, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है, रात में डर जाना, अंधेरे में इस तरीके की फीलिंग होना, ये भी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। जो वॉइसेस वाला हेलुसिनेशन होता है, अभी सेकंड और थर्ड पर्सन की भी बात करेंगे, वो तब बहुत ज़्यादा होता है जब कोई पर्सन डार्कनेस से, जिनको डर लगता है, जिन लोगों को अंधेरे से डर लगता है, उनको ऐसा भी फील हो सकता है कि मेरे पीछे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, या फिर डार्कनेस में उनको वॉइसेस भी फील होती हैं। तो ये एक बहुत कॉमन हेलुसिनेशन होता है जो वॉइसेस सुनाई देने के केसेस में होता है। सीइंग ऑब्जेक्ट्स, बींग्स ऑन पैटर्न्स और लाइट, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख सकता है, आप देख सामने रहे हो मगर आपको फील हो सकता है कि मेरे राइट या लेफ्ट साइड में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसी फीलिंग भी हो सकती है। कोई पर्सन ह्यूमन बींग भी हो सकता है, या कोई पैटर्न लाइट का भी हो सकता है, कोई भी चीज़ दिख सकती है जिससे आपके मन में किसी टाइप का फियर जनरेट हो सकता है। आपको कोई स्मेल भी फील हो सकती है, कोई ऑर्डर, वो प्लीजेंट भी हो सकती है और अनप्लीजेंट भी हो सकती है। कोई स्मेल ऐसी भी हो सकती है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, और कभी कभी फ्रेग्रेंसेस भी होती हैं जो पर्सन को फील हो जाती हैं। तो दोनों ही टाइप के स्मेलिंग के केस में दोनों ही टाइप के हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। टेस्टिंग समथिंग, जैसा कभी कभी आपकी ज़ुबान पर कोई मेटालिक टेस्ट आ सकता है, कभी किसी ऐसी चीज़ का भी टेस्ट आ सकता है जो आप उस समय खा नहीं रहे हैं, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी कहते हैं मुंह में पानी आ जाना। तो किसी बात चीज़ के बारे में सुन के भी ऐसा हो सकता है कि आपके टेस्ट बर्ड्स जो है वो टेस्ट जनरेट कर दें, तो ये टेस्ट बेस्ड जो है वो हेलुसिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप देख रहे होंगे कि अब टाइप्स भी आपको समझ में आ रहे होंगे और सिम्टम्स भी हैं, क्योंकि सिम्टम्स जो है वो टाइप बेस्ड ही हैं, इसीलिए आपको ईजिली यहाँ पर चीज़ समझ में आ रही होगी, लेकिन आगे भी हम पढ़ेंगे। अब हम एक एक करके इन सारे हेलुसिनेशंस को पिक करते हैं। मैंने आपको भी बताया कि हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं, हम यहाँ पर सिक्स टाइप ऑफ हेलुसिनेशंस की बात करेंगे। किस तरह से करेंगे मैं अभी आपको साथ में समझाती हूँ। सबसे पहले तो विजुअल हेलुसिनेशंस को आप समझ गए होंगे, ये विजुअल की बात हो रही है, मतलब ये हमारे सेंसरी ऑर्गन आई से कनेक्टेड है। तो इस विजुअल हेलुसिनेशंस में दीज इन्वॉल्व सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर। द हेलुसिनेशंस मे बी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, विजुअल पैटर्न्स, पीपल और लाइट। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपको लग सकता है कि कोई चीज़ मेरे लेफ्ट राइट रखी हुई है, ये विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं। दे कैन इंक्लूड माइल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ व्हाट यू सी अराउंड यू। पीपल हु यूज हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स ऑफ्टन डिस्क्राइब दीज माइल्ड डिस्टॉर्शन एज प्लीजेंट। जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको ज़्यादातर विजुअल हेलुसिनेशंस ही फील होते हैं, उनको आवाज़ें कम सुनाई देती हैं, उनको विजुअल ज़्यादा फील होते हैं। यू माइट सी अ पर्सन हु इज़ नॉट इन द रूम,
और फ्लैशिंग लाइट्स दैट नो वन एल्स कैन सी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको फील होगा कि मैंने देखी हैं लेकिन दूसरे पर्सन को वो नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी, तभी वो हेलुसिनेशंस हैं। इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं वो विजुअल हेलुसिनेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, दीज आर अमंग द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। ऐसा हम अभी तक कई बार कह चुके हैं इस वीडियो में कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के होते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड डिस्टॉर्शंस इन व्हाट यू हियर टू हियरिंग वॉइसेज व्हेन नोबडी इज स्पीकिंग। ऐसा भी हो सकता है कि जो आप सुन रहे हो उसमें आपको कुछ गलत सुनाई दे जाए या फिर कोई बात ही नहीं कर रहा है तब आपको कुछ चीज़ें सुनाई दे रही हैं। द वॉइसेज मे बी क्वाइट और लाउड, फ्रेंडली और इंटिमिडेटिंग। यू माइट हियर समवन स्पीकिंग टू यू और टेलिंग यू टू डू सर्टेन थिंग्स। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जब सीवियर लेवल पर हो जाते हैं तो वो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन हेलुसिनेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेकेंड एंड थर्ड में क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए ऑडिटरी हेलुसिनेशंस वो होते हैं जिसमें हमें कुछ वॉइसेस सुनाई देती हैं। वो वॉइसेस डायरेक्ट भी हो सकती हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं। डायरेक्ट का मतलब हो गया कि हमें कोई ऑब्जेक्ट फील हो रहा है या कोई कहीं से कुछ भी रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है कि कुछ सुनाई दे रहा है। इनडायरेक्ट में होगा कि कोई और पर्सन भी एसोसिएटेड हो सकता है उससे। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इंक्लूड हियरिंग साउंड लाइक समवन वॉकिंग इन द एटिक और रिपीटेड क्लिकिंग और टैपिंग नॉइसेस। आपका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, आपको ऐसा फील हो सकता है, ये एक टाइप ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकता है। आपको फील होगा कि कोई नॉक कर रहा है या कोई आवाज़ दे रहा है या कोई बाइक जा रही है या किसी इंसेक्ट का आपको चलने की आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके के जो भी हियरिंग बेस्ड वॉइसेज होती हैं उनको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर रखते हैं। इसके अंदर दो टाइप के आते हैं, सेकंड एंड थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। ये दोनों ही ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं। आप देख सकते हैं इनको हाईलाइट किया गया है कि सेकंड पर्सन हेलुसिनेशंस आर ऑडिटरी हेलुसिनेशंस एंड थर्ड पर्सन हेलुसिनेशंस आर आल्सो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। सेकंड पर्सन में क्या होता है, इन विच पेशेंट्स हियर अ वॉइस और वॉइसेस टॉकिंग डायरेक्टली टू देम। जब डायरेक्टली बात कर रही होती है मतलब आपको ऐसा फील होगा कि कोई चीज़ की आवाज़ आपने सुनी है या कोई पर्सन जो है वो आपसे बात कर रहा है, तब ये होता है सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन। सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन कैन बी परसिक्यूटरी, हाईली क्रिटिकल, कॉम्प्लीमेंट्री और इश्यू कमांड टू द पेशेंट। इसमें उसको फील हो सकता है कि वो मुझे कोई कमांड दे रहा है, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जो मुझे फॉलो करने हैं, और यही चीज़ें उसको सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन में सुनाई देती हैं। जबकि थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन में उसको एक से ज़्यादा पर्सन फील हो सकते हैं। मतलब थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन का मतलब ये हो गया कि आप और आपके अलावा दो लोग और हैं, तभी तो वो तीन पर्सन उस स्टोरी में आएंगे। इन विच पेशेंट हियर वॉइसेस टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स रेफरिंग टू देम इन द थर्ड पर्सन। हो सकता है आपको थर्ड पर्सन की तरह से ट्रीटमेंट फीलिंग हो और आपको लगे कि कोई दो लोग हैं जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस टाइप और सीवियर टाइप का थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन जो होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। इसमें जो सिज़ोफ्रेनिया का सिम्टम्स होते हैं उसमें एक्चुअली में थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन ही होता है। अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस की। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस इन्वॉल्व योर सेंस ऑफ स्मेल। यहाँ पे स्मेल की बात हो रही है तो मतलब हम जिस सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं वो है नोज़। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन मीन दैट समवन स्मेल्स समथिंग दैट इज़ नॉट देयर। यहाँ पे पर्सन को डिफरेंट टाइप की स्मेल्स फील होती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये थोड़ा रेयर होता है हेलुसिनेशन, बहुत कॉमनली देखने को नहीं मिलता है सिज़ोफ्रेनिया में भी, लेकिन पर्सन को फीलिंग आ सकती है कि उससे डिफरेंट स्मेल्स जो है वो फील होती हैं। कुछ स्मेल्स जो उसको इंजॉयबल हो सकती हैं जैसे कि कोई फ्रेग्रेंस, उसको अपने कोई फेवरेट डियो या परफ्यूम की स्मेल भी, फ्लावर की स्मेल भी जो है वो फील हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी स्मेल्स भी हो सकती हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करता और ये स्मेल्स उसको अपने आसपास ही एग्जिस्ट करती हुई महसूस होती हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज गस्टेटरी हेलुसिनेशन। गस्टेटरी हेलुसिनेशंस आर सिमिलर टू ऑल्फैक्टरी बट यहाँ पे टेस्ट की जगह पर यह जो टेस्ट होता है वो आ जाता है इंस्टेड ऑफ स्मेल। दीज आर हेलुसिनेशंस दैट कॉज अ पर्सन टू टेस्ट समथिंग दैट इज़ नॉट प्रेजेंट। जो टेस्ट प्रेजेंट ही नहीं होता है वो टेस्ट जो है पर्सन को फील होने लगता है। ये गस्टेटरी हेलुसिनेशन में ऐसा ही होता है। ये जो कंडीशन होती है वो वर्स तब हो जाती है जब इसके साथ में डिल्यूजन भी एड ऑन होता है। मतलब अगर पर्सन को ये लगता है कि डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन उसको फील हो रहा है, उसको लगता है कि कोई पर्सन मुझे पॉइजन देना चाहता है, तो बार बार उसको चीज़ों में, खाने में या जो भी चीज़ वो टेस्ट कर रहा है उसमें फील हो सकता है कि शायद मुझे पॉइजन किसी पर्सन ने देना दिया हो, तो उसको टेस्ट डिफर ऑटोमेटिकली भी फील हो सकता है इवन दो द टेस्ट इज़ नॉट डिफर। तो ये तब होता है जब इसके साथ डिल्यूजन भी मिक्स हो जाता है। ये जो टेस्ट होते हैं ऑफ्टन स्ट्रेंज और अनप्लीजेंट होते हैं क्योंकि ये वाले जो हेलुसिनेशंस होते हैं, सिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं, ये प्लीजेंट नहीं हो सकते। तो इसमें गस्टेटरी में पर्सन को जो भी टेस्ट फील होता है वो
अच्छा फील नहीं होता, मेटालिक टेस्ट हो सकता है जो कि यहाँ पे पर्सन फील करता है गस्टेटरी में। तो यहाँ पे हमने टंग का यूज़ हुआ आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोमैटिक हेलुसिनेशंस की, जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड होते हैं। वैसे भी आप सोमैटिक वर्ड जानते हैं, सोमैटिक का मीनिंग ही होता है कि फिजिकल सिम्टम्स रिलेटेड जो होता है। तो सोमैटिक हेलुसिनेशन में हमारे टच की बात हो सकती है। टच से रिलेटेड एक तो सोमैटिक हेलुसिनेशंस होते हैं, दूसरे होते हैं टैक्टाइल। टैक्टाइल में पर्सन को एग्जैक्टली टच की फीलिंग होती है, लेकिन सोमैटिक में पर्सन को फील होता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ें हो रही हैं। सोमैटिक में जो हेलुसिनेशंस फील होते हैं वो इंटरनल होते हैं, होते ये भी बॉडी से रिलेटेड ही हैं, और टच की फीलिंग इसमें भी होती है कि अंदर कोई चीज़ हमारे चल रही है, लेकिन टैक्टाइल में आउटसाइड होता है। पहले सोमैटिक हेलुसिनेशंस को देखते हैं। दिस रिफर्स टू व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस अ फीलिंग ऑफ देयर बॉडी बीइंग सीरियसली हर्ट थ्रू म्यूटिलेशन और डिसएम्बॉलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट्स हैव ऑल्सो रिपोर्टेड एक्सपीरियंसिंग एनिमल ट्राइंग टू इन्वेड देयर बॉडीज, सच एज स्नेक्स क्रॉलिंग इन टू देयर स्टमक। स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा सोमैटिक हेलुसिनेशन की फीलिंग जो होती है वो स्टमक के अंदर ज़्यादा फील होती है। कई बार पर्सन को ऐसा फील होता है कि उसके स्टमक के अंदर कोई चीज़ चल रही है और द पर्सन नीड्स टू बी ट्रीटेड, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, ये फीलिंग उसको आती है। तो ये सोमैटिक हेलुसिनेशन में बॉडी के इंटरनल फंक्शनिंग पर पर्सन को डाउट्स होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, अगेन इसीलिए हेलुसिनेशन होता है। आगे देखेंगे टैक्टाइल हेलुसिनेशन, ये भी हमारे स्किन और टच वाले पार्ट से कनेक्टेड है, ये ज़्यादा है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। दिस इन्वॉल्व्स द फीलिंग ऑफ टच और मूवमेंट इन योर बॉडी। दिस रेफर्स टू व्हेन अ पर्सन सेंसेस दैट दे आर बीइंग टच्ड व्हेन दे आर नॉट। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट फील दैट बग्स आर क्रॉलिंग ऑन योर स्किन, इट इज़ ऑन योर स्किन। ये चीज़ें जो होती हैं बाहर से फील होती हैं, और दैट योर इंटरनल ऑर्गन्स आर मूविंग अराउंड, ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ऐसा टैक्टाइल हेलुसिनेशन में फील होता है। पर वो जो मूवमेंट होता है वो टच की फॉर्म में फील होता है। यू माइट ऑल्सो फील द इमेजिन टच ऑफ समवंस हैंड ऑन योर बॉडी। दीज टैक्टाइल हेलुसिनेशंस कैन फील सो रियल टू पीपल दैट दे स्क्रैच और पिक होल्स इन देयर स्किन। लोगों को इतना ज़्यादा टैक्टाइल हेलुसिनेशन में रियल फील होता है कि वो अपनी स्किन को भी पिक कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं उस बग को रिमूव करने के लिए, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन या स्कार्स भी हो सकते हैं। हेलुसिनेशन के कॉजेज क्या क्या होते हैं? हेलुसिनेशंस आर मोस्ट ऑफ्टन एसोसिएटेड विद सिज़ोफ्रेनिया, जैसा कि हमने आपको बताया ये उसका एक मेजर सिम्टम होता है, अ मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज बाय डिसऑर्डर्ड थॉट्स एंड बिहेवियर्स। हाउएवर, दे आर ऑल्सो अ पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर में भी पर्सन को हेलुसिनेशंस फील होते हैं। इंटेंस नेगेटिव इमोशन सच एज स्ट्रेस और ग्रीफ, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दुख में रहता है या किसी के ख्यालों में बहुत ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है उस पर्सन को एक हेलुसिनेशन इस तरह से भी हो सकते हैं कि उसको फील हो कि वो पर्सन उसके आसपास आया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से, दुख में रहने से भी ऐसा हो सकता है। एज कैन कंडीशन सच एज हियरिंग और विजन लॉस, ये भी इसकी के सिम्टम्स हो सकते हैं, की वजह से भी हो सकता है। एंड ड्रग्स और एल्कोहल। इट इज़ बिलीव दैट द मेंटल प्रोसेसेस विच ऑपरेट ड्यूरिंग हेलुसिनेशंस इंक्लूड मेमोरीज एंड इमेजेस विच द ब्रेन हैज़ डिफिकल्टी कंट्रोलिंग। जो ब्रेन जब कंट्रोल नहीं कर पाता है हमारे मेमोरीज और इमेजेस को, द वे दैट इंडिविजुअल रिएक्ट टू देयर हेलुसिनेशन ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन हाउ दे फील अबाउट दैम। ये भी हो सकता है कि पर्सन उस पर कितना रिएक्शन दे रहा है, जितना वो ज़्यादा उस पर रिएक्ट करता है उसको उतना ज़्यादा ही फील होने लगता है कि ये तो जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। तो ये भी हेलुसिनेशन के बढ़ने की एक वजह हो सकती है। हेलुसिनेशन की ट्रीटमेंट की बात करें तो देर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ द हेलुसिनेशन। किस टाइप का हेलुसिनेशन है उसी तरीके का उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फॉर्म्स ऑफ हेल्प इंक्लूड साइकोलॉजिकल थेरेपीज एंड मेडिकेशंस। डिफरेंट मेडिकेशंस भी होती हैं जो उसमें दी जाती हैं। थेरेपी हमेशा एक बड़ा रोल प्ले करती है। अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स फैमिली एंड प्रोफेशनल्स प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT जिसको आप जानते हैं, विच फोकसेस ऑन चेंजिंग द थिंकिंग एंड बिहेवियर। सोचने और बिहेव करने के तरीके को चेंज करने की कोशिश की जाती है, जिससे पर्सन उन चीज़ों से अपना माइंड डाइवर्ट कर सके और किसी तरीके से उन सिम्टम्स को नॉर्मलाइज किया जा सके। तो इस तरीके से इसके ट्रीटमेंट को किया जाता है। आगे हम हेलुसिनेशंस के बाद सिज़ोफ्रेनिया के और दो डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जो है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर एंड इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट। ये दोनों भी सिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम होते हैं, बट अदर देन दैट ये अपने आप में भी डिसऑर्डर होते हैं। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट एंड कीप शोइंग योर सपोर्ट लाइक यू ऑलवेज डू। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।